बुलारा जी के साथ देखे थे बाट दिखा का आए थे लाल पलूरा में, आज फिर लाल लाल कह रहे हो और बाट दिखा का आए हो। मेरे पेछाप जो लग रही है ना उसको बरकरार रखना है ना, तो आज भी पिलूरा बाटे दिखा के आया है। क्या बात, भजन दुखोड़िया बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि सब अलग सा कॉन्सेप्ट लगाए थे हरियाणा में अलग सा। वो सारा क्रेडिट मैं सपना चौधरी को देती हूँ, क्योंकि सपना चौधरी का कॉल आया था कि दीदी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं, वो किसी कारणवश वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उनका बेबी होने वाला था, तो वो नहीं तो वो खुद करती वो उस गाने को, बहुत अच्छा गाना था। तो उन्होंने बोला कि दीदी आप अगर मैं ठीक होती तो हम मैं करते सोनिका या और लोग करते, बट अभी चलो हम नहीं कर पा रहे तो आप करो। तो वो हमेशा सपोर्टिव रहती है, हमेशा ही कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट होता तो उसकी कोशिश होती है कि मैं अनामिका दीदी को लूँ, तो मैं उसका थैंक यू करती हूँ। एक बहुत अच्छा संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है खोड़िया जो उन्होंने मेरे से करवाया, और अच्छा फिर एक बार एक फेमस सॉन्ग की गिनती आई मेरी लाइफ में। राम राम मैडम, क्यूट सा बताओ। राम राम जी, ठीक ठाक हो? हाँ जी बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया है, सूट बहुत प्यारे हैं, बहुत ही बेहतरीन। लास्ट टाइम भी मैं बहुत सारे सूट यहाँ से लेके गई थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और इनके साथ कनेक्शन भी बहुत प्यारा है हमारा, और इनकी वजह से आज हम आपसे मिले और लोगों से मिले। तो ऐसा ही है, जो सोशल मीडिया है वो एक परिवार की तरह ही है कि भाई कहीं भी कोई भी मिल सकता है अगर, और इसमें ना कुछ फेमस होने वाली बात, बस अपना आपा जैसा है वैसा ही दिखाओ। मेरे कितने सालों से फाउंडेशन है मैडम? मेरे को 2 साल हो गए लगभग। तो फिलहाल भाई तने गाना सुना का बताऊंगा आज मैं, हद तह जद आज पलूरे बाट दिखाई है, आज भी बाट दिखा का आई है मैडम एनी भी। राम राम मैडम जी। राम राम जी, राम राम। और ठीक ठाक हो? हाँ जी बढ़िया। यू बुलारा जी के साथ देखे थे बाट दिखा का आए थे लाल पलूरा में, आज फिर लाल लाल कह रहे हो और बाट दिखा का आए हो? मेरे पेछाप जो लग रही है ना उसको बरकरार रखना है ना, तो आज भी पिलूरा बाट दिखा के आया है। क्या बात है। अच्छा परिणानी के पास आप पहले भी आए थे, ओपनिंग पे भी आए हो, और आज 1 साल कंप्लीट हो गया, तो कैसा फील हो रहा है और कितने साल तक प्यार प्रेम है? अच्छा फील हो रहा है। पहले तो एक लेडी जिन्होंने हमारे सामने एक छोटे से काम को स्टार्ट किया, और आज इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे कि यहाँ पे और भी मेरे साथ साथ और भी इन्फ्लुएंसर भी सेलिब्रिटी भी आए हैं, तो बड़ी मेहनत से उन्होंने इतना अच्छा मुकाम बड़ी जल्दी हासिल किया है, और बहुत अच्छी वैरायटी है सूट्स की और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दोबारा देखने का दोबारा मन नहीं आया, मैंने कहा दोबारा शॉपिंग करके आते हैं। आज साड़ी पहन के आ रही है सूट की जगह? हाँ साड़ी पहन के आ रही है, सूट यहाँ से लेके जाऊँगी ना। क्या बात है। देखो मैडम ट्रेंडिंग में रहा है, क्योंकि अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात हो जो है, और सबसे बड़ी बात हो भाई ईगो की। बहुत से कलाकार हो जो ऑडियंस तक बात तक नहीं करते, जबकि ऑडियंस बनावे कलाकार ने, लेकिन मैडम शुरू तक लेकर और आज तक जो डाउन टू अर्थ थी, डाउन टू अर्थ है न्यू की न्यू, ये की राज है पितृ ईगो कहते नहीं आना। वो इसलिए है कि ये सच्चाई है, मैं एक बहुत सिंपल परिवार की लड़की हूँ, जहाँ पे हीरोइन नाम का तो शब्द भी हमने कभी सुना नहीं था, तो बस स्ट्रगल की ज़िंदगी में चलते चलते मैं हीरोइन बनी। वो हीरोइन बनाने वाली पब्लिक ही है, और अगर मैं पब्लिक के सामने ही ज़्यादा भाव खा जाऊँगी, और पब्लिक 2 मिनट में, पब्लिक ऊपर भी चढ़ाती है पब्लिक नीचे भी गिरती है, तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे फ़ैन फ्लोइंग है जो हरियाणवी हरियाणा के लोग हैं जिन्होंने मुझे एक सिंपल सी लड़की को एक स्टार बना के छोड़ दिया, तो मैं क्या बात है। और ब्याह शादी का भाई सीजन आ रहा है, और सारी जगह खोड़िया बजन लग रहा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। बजन दो खोड़िया बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि अलग सा कॉन्सेप्ट लगाए थे हरियाणा में अलग सा। वो सारा क्रेडिट मैं सपना चौधरी को देती हूँ, क्योंकि सपना चौधरी का कॉल आया था कि दीदी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं, वो किसी कारणवश वो नहीं कर पाए थे क्योंकि उनका बेबी होने वाला था, तो वो नहीं तो वो खुद करती वो उस गाने को, बहुत अच्छा गाना था। तो उन्होंने बोला कि दीदी आप अगर मैं ठीक होती तो हम मैं करते सोनिका या और लोग करते, बट अभी चलो हम नहीं कर पा रहे तो आप करो। तो वो हमेशा सपोर्टिव रहती है, हमेशा ही कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट होता तो उसकी कोशिश होती है कि मैं अनामिका दीदी को लूँ, तो मैं उसका थैंक यू करती हूँ। एक बहुत अच्छा संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है खोड़िया जो उन्होंने मेरे से करवाया, और अच्छा फिर एक बार एक फेमस सॉन्ग की गिनती आई मेरी लाइफ में। देखो भाई थारे बहुत से मैसेज रहे करता, तो भाई इंटरव्यू नहीं आ रहा, बहुत गजब का इंटरव्यू फुल नॉलेज के साथ, जिसमें सारी मैडम की जुड़ी जो बातें हैं पुराना टाइम से लेकर आज तक की कंटिन्यूटी क्यों कर बनाया गया रख रखी है, और वे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो था ना बचपन में देखे थे
और थारी दोबारा तो यह ताज़ा करांगे एक पॉडकास्ट के जरिए स्टार मीडिया हरियाणा पे। बहुत जल्दी मैडम आवेगी पूरी डिटेल के साथ, इंटरव्यू आओ या पॉडकास्ट आओ, लेकिन देखना जरूर मिलेगा, कितने जल्दी देखना मिल जाएगा। बिल्कुल बहुत जल्दी, नहीं आपसे सॉरी मैं पहले तो आपको बोलना चाहूँगी आपके ही चैनल के माध्यम से कि सच में मैं इनके साथ मैं भी इंटरेस्टेड हूँ करने इंटरव्यू करने के लिए, और इन आपके भी बहुत सारे कॉल आए पर टाइम की वजह से मैं आपको नहीं टाइम दे पाई, पर अब बहुत जल्दी बहुत जल्दी हम लोग या हिसार में या फिर जैसे भी जहाँ पॉसिबल होगा बिल्कुल और अच्छा इंटरव्यू करेंगे। लंबा लॉन्ग टाइम, हाँ लॉन्ग टाइम, देख रहे इतने लंबे कंटिन्यूटी चल रही है भाई, 2008-09 का टाइम था, आज 2024 है गया। क्या बात है, राम राम भाई, ठीक ठाक हो? भर पहली बात तो राम राम नमस्ते, आप हमेशा रहो हंसते। दूसरी बात बता रहे तो लूरा लेट आए करे और आज फिर लेट करवा दिया भाई, की करूं मैं, पछे पछे था पलूरे के, पलूरा आगे आ गया, मैं पछे पछे भाई, यो पलूरे का रखाली है एक टाइम तो बुला रहा जी, कंधे कंधे स्वर्गवासी हो गए कि अद तक जा आज पलूरे बाट दिखाई है और आज परिजीता बाट दिखाई दी, बाट के दिखानी भाई, थोड़ा बहुत सफर लंबा हो जाए तो टाइम लागे जाए है, क्योंकि भाई आपने बेरा है पलूरा में टाइम तो लागे तैयारी तुरी गण में, फ्रेंचाइजी फिर ले जानी पड़ेगी लागे सर में, लवे की लवे, हाँ बल चल रही है भाई, तो बात कर रहे हैं कोशिश, अच्छा वहीं पर जाएंगे लेके। चलो बहुत बढ़िया लग गया मिलकर और बहुत जल्दी इंटरव्यू देखने मिला शेखर जी का भी, अनामिका जी का क्यूट सा चेहरा आ गया है, राम राम मैडम क्यूट सा बता, राम राम जी, ठीक ठाक? हाँ जी बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया है, तो देखो भाई व्लॉग का माध्यम तो एक पारिवारिक दिखावा है भाई, लोग पूरा परिवार इकट्ठा बैठ कर देखा है, एक ऐसा कंटेंट बना हुआ है और आज पहुँचो पानीपत परिजानी की शॉप पे, तो कैसा फील हो रहा है, कैसे सूट है? सूट बहुत प्यारे हैं, बहुत ही बेहतरीन, लास्ट टाइम भी मैं बहुत सारे सूट यहाँ से लेके गई थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इनके साथ कनेक्शन भी बहुत प्यारा है हमारा, और इनकी वजह से आज हम आपसे मिले और लोगों से मिले, तो ऐसा ही है, जो सोशल मीडिया है वो एक परिवार की तरह ही है कि भाई कहीं भी कोई भी मिल सकता है अगर, और इसमें ना कुछ फेमस होने वाली बात, बस अपना आपा जैसा है वैसा ही दिखाओ। मेरी कितने सालों से फाउंडेशन है मैडम? मेरे को 2 साल हो गए लगभग। अच्छा, नेचर कैसा है? इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है और प्यार, जिससे प्यार करती हूँ उनसे तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट नेचर है एकदम, क्योंकि आज जो इनके पास यहाँ आज लोग आए ना सिर्फ सोशल मीडिया से और इनके प्यार की वजह से आए हैं, ये बात है। तो बहुत से दर्शकों की भाई अभी डिमांड रहा है कि लव मैरिज करखी है, अरेंज मैरिज करखी है, तो उन सारे सवालों के जवाब देने खातर मैडम स्पेशल आओगे चैनल पर, इंटरव्यू लोगे मैडम का, तो बहुत जल्दी इंटरव्यू देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा और सारी बातें वहीं पर हम रिवील करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक।